हेलो फ्रेंड, आज हम आपको तूनागिरी गोलमुली का बीज कैसे बनाए इसके बारे में बताएंगे। ये हमारे उद्यान सहायक एप्पल गार्डन से, ये देखिए, ये मूली को बड़े ही प्यार से जो है खेत से निकाल लें, जो जो मूली बीज के लायक है उसी को ये निकाल लें, अन्य को वैसे छोड़ देंगे और वो कुछ दिन बाद फिर ग्रोथ ले लेगी और या फिर सब्जी में यूज किया जा सकता है। ये देखिए, मूली के लिए विशेषकर क्या काम करना है हमें, उसके तने के हिस्से को, हल्का जड़ वाले हिस्से को हमने काट लेना है और अभी हमारे उद्यान सहायक हमें बताएंगे कि हमें कैसा करना है और किस लिए इसको काटा जाता है उसके बारे में बताएंगे। और ये पूरी वीडियो देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, हम आपको और करीब से दिखा देते हैं और मेरा चैनल जो है गार्डनिंग टू एनवायरमेंट, और ये इसको लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी जाए। ये देखिए, दूनागिरी गोलमुली से ही जो है उत्तराखंड में ये बीज प्रचलित है और लगभग हर कोई दूनागिरी गोलमुली को जानता है। और हम इसको जड़ के हिस्से को क्यों काटते हैं और क्यों तने के हिस्से को काटते हैं उसका भी हम आपको रीज़न बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसके जड़ वाले हिस्से को अगर नहीं काटते हैं तो ये सिंगल बीज बन जाएगा, क्योंकि हमें उपज अच्छी चाहिए इसलिए हमें जो है उसको डबल में जो है करना, वो बदलना है, इसलिए हम उसका जड़ का एक तिहाई हिस्सा जो है काटते हैं, जड़ वाले का एक तिहाई रखते हैं और वैसे तने का काटते हैं, ऊपर से कटिंग और जड़ की कटिंग की जाती है। और अब हम दिखाते हैं आपको खेतों में, ये देखो क्यारियाँ जो है, यह हम कह सकते हैं खेत तैयार किए जा रहे हैं। अगर हमारे पास छोटा सा हिस्सा है, खेत का टुकड़ा है, तो हम क्यारी में भी इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, क्यारी खेत को प्लेन किया जा रहा है और ये देखिए, ये इसमें गड्ढे बनाए जा रहे हैं लगभग एक फीट या आपके अनुसार आप इसकी दूराई घटा बढ़ा सकते हैं। तो अगर जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी मूली से मूली के, तो उतना ही जो है हमारे पौधा जो है अच्छा, जो उसको विकास होने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ये देखिए, हमारे गड्ढे जो है धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। और फिर बारी आती है इसमें जो है गोबर खाद जरूर डालें जड़ वाले हिस्से पे। ये देखिए, हमने गड्ढे बनाए, उसके बाद में गोबर खाद, और आप इसमें कुरमला मार भी डाल सकते हैं इसके साथ साथ। तो हम कुरमला मार थोड़ी देर में डालते हैं, अभी हमारा जो है गोबर खाद हम डाल रहे हैं इसमें। पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और दूनागिरी गोलमूली आप भी अपने किचन गार्डन में अवश्य बनाएं और वीडियो शेयर करें, तो धीरे धीरे हमारे सारे गड्ढों में जो है ऐसी जो है खाद डाल दी जाएगी। तो और देखिए, हमारे अगला खेत तैयार हो रहा है और दूसरा खेत फिर तैयार होने लग गया है। अब हम इसमें जो है उसको डिप करेंगे, आपके अगर M45 है तो उससे कीजिएगा, नहीं तो हम ये सिस्टमेटिक फंगिसाइड में हम इसको डिप कर रहे हैं। इस घोल को अच्छे से घोल लें ताकि, और पुराने ज़माने में इस पर जो है हम गोबर का जो है लेप लगाया करते थे, तो वर्तमान में जो है M45 बहुत सारी अच्छी दवाई आ चुकी है तो उनका यूज करेंगे। ये देखिए, गोबर और मिट्टी मिक्स कर लिया हमने और इसको डिप कर रहे हैं। डिप आप पूरा कर लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। और डिप करने के बाद हमें कैसे लगाना है हम वो प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। एक एक करके हम मूली डिप कर लेते हैं, अगर आप उसमें पूरा भी छोड़ लेंगे उससे कोई कुछ नहीं होता, वो उसके लिए फ़ायदेमंद है हमारे जो है जड़ के लिए। तो हम एक एक करके उसे डिप कर लेंगे। अब आती है कि हम उसे कैसे लगाएं, तो आप पूरी वीडियो देखें और शेयर करें। ये देखिए, हमें कि हम उसको डिप कर रहे हैं और एक एक करके आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और हम उसको लगाएंगे कि हमें कैसे लगाना है। ये हम कुरमला मार हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना कुरमला, क्योंकि यह कुरमला माल जो है कीटनाशक के रूप में जो है हमारे फसल को ख़राब कर सकता है, तो इसलिए हमें कुरमला माल
ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बहुत मात्रा में डालना है। और हम कुरमला मार्च डाल चुके हैं, तो अब हम आपको ये देखिए कुरमला मार्च भी हमने डाल चुके हैं। और फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि कुरमला मार दुआ और गोबर खाद और मिट्टी को एक साथ मिला लें। ये देखिए हम जो है उनको एक साथ मिला रहे हैं, और उसको जो है किस तरह ज़मीन पर लगाना है वो ध्यान दीजिए। उसका जो तना वाला हिस्सा है उसको पकड़ना है और उसको अच्छे से ज़मीन पर गाड़ना है, और मिट्टी को अच्छे से कूल लेना है ताकि हमारा जो है मूली का हिस्सा हाथ में ना जाए। और ये देखिए बड़ी सावधानी से और उसको जो है अच्छे से मिट्टी को कूल लीजिए ताकि उसमें जो मिट्टी में जो ईयर है वो बाहर निकल जाए, और उसके चारों हमें जो है मिट्टी को अच्छे से एक थावले के रूप में बनाना है ताकि हम उसमें पानी जो दे उसी पेड़ को लगे। और पानी देने जो है कम से कम आज हमने लगा दिया तो उसको हम दो दिन बाद हम इसको पानी देंगे, आज इसको पानी नहीं देंगे क्योंकि इसमें नमी बनी है तो हम पानी नहीं देंगे। ये देखिए उसको आप अच्छे से कर लें, मेड़ बना लें उसके चारों ओर ताकि उसमें पानी ठहरे। और ये देखिए ये हमने धीरे धीरे ये प्रक्रिया हम सारे पेड़ों पर करेंगे, मूली की जो जड़ें हैं हमारे पास, और धीरे धीरे हमारा प्लांट जो है होता रहेगा। और इसमें जो है ये देखिए गोबर और मिट्टी दोनों को मिक्स करना है, बस ये ध्यान देना हमने। और जो हमने कुरमला मार डाल रखा वो और तने वाले हिस्से को पकड़ के ये देखिए हम आपको और गौर से दिखा रहे हैं, और फिर उसमें हम मिट्टी डाल देंगे। तो आप भी अपने घर में जो है किचन गार्डन में इस बार दुनागिरी गोल मूली का बीज बनाइए। अभी मूली मिल जाएगी आपको किराने की दुकान पे और सब्जी की दुकान पे मिल जाएगी आपको। तो अभी हमारे उत्तराखंड में जो है मूली के बीज का जो है अभी टाइम है, तो आजकल आपको जो है जो भी मूली की खेती करते हैं वो आपको भी बीज बनाते हुए दिखाएंगे बीज की प्रक्रिया, क्योंकि अभी जब हम इनको लगाएंगे तो तभी ये मार्च अप्रैल में हमें बीज इनका तैयार हो जाता है। और दुनागिरी जो गोल मूली है ये लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये किलो जो उसको मार्केट प्राइस है, 2.5 से 3 हज़ार रुपये किलो ये बिकता है, काफ़ी महंगा है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग भी अपने घर पे दुनागिरी गोल मूली का बीज बनाएं ताकि आपके 2 से 3 हज़ार रुपये ये बचत हो जाएगी। और ये देखिए हम ये प्रक्रिया हम सब में अपनाएंगे, धीरे धीरे जो है हमारे जो है प्लांट होते जा रहा है, और जब ये लग जाएंगे तो हमको दो दिन बाद हम इसमें पानी देंगे। और मेरी वीडियो शेयर करें, वीडियो पूरी देखें, और ये जानकारी अगर कैसी लगी आपको उसके बारे में कमेंट करें, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अन्य कोई अगर जानकारी चाहिए तो उसके बारे में कमेंट करें ताकि हम आपको अन्य जानकारी दे सकें जो आपको जानकारी चाहिए। और ये देखिए मूली जो है डिप करने के बाद ये धीरे धीरे सारी, और ये हमारी जो है मूली लग चुकी है, ये देखिए अब इनमें हम दो दिन बाद इनको पानी देंगे, तो आप देख रहे हो कि ये मूली हमारी जो है खेत में लग चुकी है। तो यही प्रक्रिया आप भी अपनाएं, देखो मूली की लगभग लगभग दूरी समय बराबर है, तो मूली आप उनकी दूरी बराबर रखें और दूरी जितनी होगी उतना अच्छा रहेगा, आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। थैंक यू।